लोग इतने स्वीट बन के पहले सारे आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं बिल उठाए होते हैं करोड़ों रुपए के और खातून ने उस पे हरासमेंट का केस किया होता है ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो भी आपको ट्रैप कर रहे हो ये पूछना बड़ा जरूरी होता है ये बॉयफ्रेंड क्या है? होता है जी आपको भी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के रिश्ते के हवाले से बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं बहुत सी बेटियों के माँ बाप ऐसे भी हैं जिनके घर में पैसा ना होने की वजह से उनके घर की सीढ़ी कोई नहीं चढ़ता लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों को पैसा दे के ब्याह तो देते हैं लेकिन उनके घरों में भी खुशियों की कमी होती है तो बच्चों का रिश्ता करते वक्त पेरेंट्स कौन सी गलतियां करते हैं तो आज आपको डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एफ आई ए आसिफ इकबाल चौधरी इस वीडियो में बताएंगे की कौन सी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है अपने बच्चों का रिश्ता करते वक्त तो वीडियो को एंड तक क्लास देखें। ऑनलाइन बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं ठीक है जिसमें हम लाइव ऐप्स भी यूज़ करते हैं अक्सर जो है ये हमारी मेट्रीमोनियल एप्स भी होती हैं बहुत सारी एप्स यूज़ करते हैं इस पर अब जैसे ये रिश्ता टाइप ऐप होती है उस पर अब वो लोग आपको इतना ट्रस्ट दिलाते हैं कि हम तो भाई आपके घर रिश्ता भेज रहे हैं हम जितना तो आपके लिए कोई नहीं है हम फैमिलीज के थ्रू एक रहे की जो हैं उनमें भी फ्रॉड है अच्छा उनमें भी फ्रॉड का मतलब ये नहीं कि उनमें है ही फ्रॉड कुछ बेहतर काम भी कर सकते हैं हम उनको कभी डिस्करेज नहीं करेंगे कि सब लोग फ्रॉड ही कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको अब देखें रिश्ता हो बिज़नेस हो या कोई भी आपकी कोई इस तरह का मिलके कोई काम करना हो आपने उसमें फिर आपको भी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी कुछ सारी जो ज़िम्मेदारी है वो स्टेट पे नहीं डाली जा सकती लोगों को खुद भी उसके ऊपर थोड़ा सा वो देखना होगा फीमेल्स जज कर लेती हैं वहाँ पे ज़्यादा मसाइल होते हैं जहाँ मर्द होते हैं वो आगे हो जाते हैं मर्दों को ये रिश्तों विश्तों के हवाले से लोगों से फैमिली के इश्यूज़ में ज़्यादा वो आ, सही तरह से जज नहीं कर सकते जो फीमेल्स होती हैं उनकी जजमेंट बहुत ज़्यादा होती है आप दस तो मिनट पाँच मिनट बिठा दें उनको पता चल जाता है ये कंजर्वेटिवज़्ज हैं ये लिबरल्स हैं ये इनके घर का माहौल क्या है ख़ातून से बात करके ख़ातून को पता चल जाता है हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा आंखें भी खोलनी पड़ेंगी और दूसरा अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन है जिससे जिसपे आपको डाउट है या जिसने कोई फ्रॉड किया है तो उसकी रिपोर्ट भी करनी चाहिए तो तो ले ताकि हम एक दूसरे को ज्यादा जान लें पहचान लें मीटअप्स <coughs> के बाद वो सारा काम उस तरह का हो जाता है कि भाई आपकी साइड की गेम ही सारी उल्टी हो जाती है आप एक ट्रैप का शिकार हो जाते है देखिये रिश्ते के मामले में मैं आपको बताऊँ कि रिश्ते के, के मामले में लोग आजकल एक और चीज़ कर रहे हैं कि प्रोफाइल्स जो exactly. हैं वो प्रोफाइल्स देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करते हैं उसको hmm. और लोगों के हवाले से लोग बड़ा घर ये किराए पे ले लेते हैं एक मैं आपको बताऊं रिश्ते के हवाले से उससे बड़ा फ्रॉड हो नहीं सकता एक बड़ा घर था और गाड़ियाँ वाड़ियाँ बड़ी उनकी मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनकी तो वो रिश्ता लेके आए इन्होंने देखा कि यार बड़े घर बार खाते पीते घर बार अच्छा गाड़ियां वाड़ियां ये वो उन्होंने बच्ची का रिश्ता कर दिया अब सुबह उठ के वो सारे काम पे जाते थे तो लड़की ने अपने घर में बता दिया कि बड़ा अच्छा मेरा सिलसिला चल रहा है बड़े अच्छे लोग हैं लेकिन थोड़ा सा इनका पता नहीं चल रहा इनका बिजनेस क्या है वो एक दिन ऐसे बेसमेंट में गई तो वहां भिकारियों वाले ड्रेसेस हैंग हुए हुए थे ठीक है वो भिकारी थे वो वो इशारों पे मांगते थे पैसा ठीक ठाक था गाड़ियां शाड़ियां थी घर था तो उस लड़की को पता चला कि ये तो सारे के सारे वो ना, नीचे कशकोल पड़े हुए थे और वो सारा वो बेसमेंट में वो लड़की गई कभी नहीं थी तो वो उसको एक डेढ़ महीने के बाद पता चला कि सुबह उठ के उठके सारे किधर जाते हैं कारोबार के लिए यही भी तो क्वेश्चन है कि मतलब लोग जो आपसे कमिटमेंट करते हैं कोई और और बाद में उनके असली चेहरे कुछ और निकलते हैं रिश्ता तो है। किसी किसी थोड़ा डिले हो जाता है हमने देखा वो बच्चियां जो होती हैं वो इनका ट्रैप हो, शिकार होती है एग्जैक्टली उनको उनके पेरेंट्स जो हैं उसमें पेरेंट्स का ज्यादा कसूर होता है उस लड़की से पेरेंट्स को जल्दी होती है कि लड़की की शादी कर दें बस वो ये देखते ही सोचते ही नहीं है कि गाड़ी पे जिस पे आया शायद रेंट की गाड़ी है जिस घर में रह रहा है वो किराए का घर है या उनका अपना है कम्युनिटी से पता करना चाहिए उनको पूछें उनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं उन रिश्तेदारों को पता करें कि वो उनसे पता चल जाता है कि ये कौन लोग हैं तो ये पूछना बड़ा ज़रूरी होता है और मैं अब मेरे ख्याल से खैर मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन ये जरूर है कि बच्ची अगर अनमेरिड अपने घर में रहेगी ना तो वो उससे पेरेंट्स को तंग नहीं आना चाहिए जब वो किसी गंदे लोगों में ब्याही जाती है फिर तो जा फिर जा जो मसाइल होते हैं फिर, जा जा पेरेंट्स 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 हैं फिर वो पेरेंट्स पछताते हैं फिर पछताने से होता कुछ, कुछ नहीं तो ये जो फीमेल्स का ये जो आप इश्यूज की बात हैं, इसमें सिर्फ ये है कि उनकी ड्यूटी है कि वो उनके आगे पीछे से पता करें उनके सोशल मीडिया से उनका उनके रिलेटिव्स के हिसाब में देखें कि वो कौन लोग हैं उनकी यानी हमसायों से इधर उधर से पता करना ज़रूरी होता क्योंकि पैसे की हवस सबको है बेशक वो मर्द है बेशक वो औरत है तो लड़कियाँ भी जो बेशक जॉब करियर में आती हैं या किसी भी फील्ड में आती हैं अपने घर से दूर हों या घर में रहती हों जैसे भी हों लड़कियां भी आजकल की बहुत ज़्यादा गोल डिगर हुई हुई हैं उन्हें पैसे के आगे और कुछ नज़र नहीं आता ठीक है तो उसमें ये होता है कि अगर कोई मैरिड इंसान भी आपको अप्रोच करता है ना और वो चार नोट आपके ऊपर निछावर करता है तो बस उस लड़की को लगता है कि हम दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाएंगे ठीक है हालांकि वो बीवी नहीं बनाते वो कभी भी नहीं बीवी बनाते बहुत रेयर चांस होता है कि वो बीवी बनाए ठीक है लेकिन वो इस चीज़ पे रेडी होती हैं कि हम दूसरी बीवी बन जाएंगे लेकिन भाई इसके पास तो पैसा है इसके पास तो गाड़ी है इसके पास तो अच्छा घर है और वो इस तरह भी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं देखिए फीमेल्स जो हैं उनके बहुत सारे मैटर्स इस तरह के रिपोर्ट होते हैं बिल्कुल ऐसा है लेकिन उसमें फीमेल्स जो हैं वो ब्लैक नहीं होती इस तरह के इंसान से फीमेल लड़कियों के जो ब्लैक के केसेस हैं वो यंग बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा उनकी तरफ से होता है लेकिन इस तरह के मैटर्स आ, कहीं ना कहीं रिपोर्ट ज़रूर हो चुके कि वो उस बंदे ने बिल उठाए होते हैं करोड़ों रुपए के और ख़ातून ने उस पर हरासमेंट का केस किया होता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तो वो फिर एक्सपोज़ होती हैं ये चीज़ें वाकई आप ठीक कह रही हैं कि बंदों ने फिर हिसाब रखा होता है कि इसको मैंने ये चीज लेके दी ये उनके इसको मैंने उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है भाई मैंने इस टाइम पे ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा इवन मैं अगर अपनी कम्युनिटी में बात करूं तो एक केस था वन ऑफ माय फ्रेंड शी शी वाज लिविंग इन इस्लामाबाद इन हॉस्टल और uh, उसके बॉयफ्रेंड ने हला ही इज नॉट मैरिड एट ऑल उसके बॉयफ्रेंड ने उसको फ्लैट लेके दिया <coughs> वहां पे ठीक है उसको सेवेंटी एटी थाउजेंड का मोबाइल लेके दे रहा है ये बॉयफ्रेंड क्या होता है जी बॉयफ्रेंड लाइक मेल फ्रेंड अच्छा। मेल फ्रेंड जिसने वादे किए हो कि हम शादी करेंगे आगे जाके और ये वो ठीक अच्छा। है और ऐसा नहीं आपको नहीं पता मुझसे सुनना चाह रहे हैं <laughs> उसको जना फ्लैट लेके दिया हुआ है उसको मोबाइल लेके दे रहा है उसको सिक्सटी थाउजेंड से नीचे शूज़ नहीं लेके दे रहा हर चीज़ में चावर कर रहा है एंड पे शादी कर ली उस बंदी से जिनके साथ वो जमीन के ख़ानदान में जिनके साथ ज़मीन के कोई रोले रपे थे कि भाई उन्होंने हक महल में, में मेरी सारी ज़मीनें उसके नाम लिखवा दी हैं तो अगर मैं उसको छोड़ता हूँ तो मेरी सारी ज़मीनें उसके नाम हो जाती है तो आई एम सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकता देखिए जो मेल्स की फिर वही चीज़ है सब्जेक्ट किसी का है मेल्स uh, की जो फितरत होती है ना वाइफ uh, जो है वो आपने वो त, uh, तहमीना दुरानी की बुक पढ़ी है मेरा सही अच्छा वो उस किताब में लिखती है कि uh, मर्द जो है वो मुझे पसंद करता है जब मैं पार्टी में जाती हूँ और बीवी जब बन जाती हूं तो वो पार्टी में नहीं लेके जाता पार्टी में नहीं लेके जाता उन्होंने सही लिखा कि पाकिस्तानी जो मर्द है उसको बीवी आ, स्टफ जो होता है वो कुछ और चाहिए वो इसलिए वो शादी नहीं करता फिर तो फीमेल्स को इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत है कि आप या तो शादी कर लें तो या फिर जो है आपके जहन में होना चाहिए कि देखें शादी जो है ना बड़ी एक ऐसी चीज़ है मैं ये समझता हूँ कि अगर शादी से पहले आप बहुत ज्यादा मिलते हैं ना तो फिर शादी का चाम भी नहीं रहता नहीं रहता बिल्कुल नहीं रहता तो मतलब यहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो अगर शादी के बाद वो बंदा आपको साठ हजार के जूते देते हुए ना दस दफ़ा सोच तो सही बात तो है। वो कुछ और क्लास होती है मर्दों की

अगर वो लिबरल है ठीक है और उसके घर में उसकी हर चीज को सुना जा रहा है उसके कहने से पहले अगर पूरी भी हो रही है तो हमें इस तरह की चीज़ों में आना ही नहीं चाहिए क्यों हम किसी पे हम डिपेंडेंट ही क्यों मैं आपको बताऊं कि एक इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ था हमारी सोसाइटी में ना दो फैक्टर्स हैं एक कंजरवेटिव जिसको राइट का कहते हैं कंजरवेटिव कह लें उसको या राइट के कह लें थोड़ा एक जरा लिबरल है मसला ये है कि एक लड़की चार दिन से घर से बाहर है एक कम्युनिटी कह रही है कि उसके पेरेंट्स को तब नहीं पता चला माँ बाप की ड्यूटी है hmm. दूसरी कम्युनिटी कह रही है वो जितने दिन से मर्जी घर के बाहर है उसको क्यों मारा गया जान से बेचारी को मार दिया गया काम तो दोनों गलत है किसी सूरत में नहीं hmm. बट हमारी सोसाइटी में जो चीज़ इकरा ये लोगों को पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कौन सी जगह जहां हम उठते बैठते नहीं है सोसाइटी का दे एलिमेंट कोई नहीं छुपा हुआ यहां पे कितनी ही गर्ल्स घर से यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ने जाती हैं और वो आ, ट्रैप होती हैं वो ऐसी महफिलों में बैठती हैं जहां पे ड्रग्स की जाती हैं बिल्कुल है सर, बिल्कुल और शाम को वो बड़े आराम से अपने घर में चली जाती हैं और पेरेंट्स समझते हैं कि वो यूनिवर्सिटी से आई हैं कॉलेज से, है, से आई हैं वेरी ट्रू और ये चीज मैं आपको बता दूं ये लड़कों के साथ भी है आपके बच्चे आपकी बच्चियां ड्रग्स पे लगी हुई हैं और आपको नहीं पता ये पेरेंटिंग की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं आपको बताऊं इसमें आपका फॉल्ट है सारी जिंदगी भुगतता है माँ बाप कितने लोगों को कितनी गर्ल्स को ये मैं आपको बताऊं आपका वास्ता ऐसे लोगों के साथ पड़ता है इसमें ये नहीं है कि मैं ऐसे लोगों में जाके शौक से बैठता हूं और मैं उनके साथ मतलब बैठ के एंजॉय करता हूं हम एक हजार जगह पे उठते बैठते हैं वहां पे हम मैंने देखा है कि कितनी ही गर्ल्स और कितने ही बॉयज यंग होते हैं कोकीन ये मैंने अभी देखा पिछले दिनों किसी जगह पे बैठे हुए खैर मैं उठ के आ गया वहां से वहां पे मैंने पहली दफा देखा कि आइस का नशा कैसे किया जाता है oh, मुझे आज तक नहीं पता था कि आई। और इतनी कॉमन हो गई है ये आइस ये आपकी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आपने अपने बच्चों पे नजर रखनी है और इस चीज को चेक करना है कि वो ड्रग्स पे तो नहीं लगे हुए फीमेल्स को खास तौर पर बच्चियों पे पेरेंट्स खास तौर पर बाप को बड़ा एतबार होता है एतबार करना भी चाहिए लेकिन आप उसका कहीं ना कहीं आप उस पर नजर जरूर रखें अपने बच्चों के ऊपर फिर ये मामला ठीक होंगे वरना आ, मैटर्स जो आपके पास आते हैं वो बहुत सारे बच्चे बचियाँ ड्रग्स पे भी लगी होती हैं आजकल बच्चों के पास भी तो ट्रिक्स इतने ज़्यादा है ना माँ बाप को बेवकूफ़ बनाने के लेकिन हमें पेरेंट्स को भी मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को सिर्फ चेक एंड बैलेंस इस तरह नहीं रखना चाहिए कि उन पर सख्ती करें सख्ती करें जहाँ पे जरूरत है लेकिन अगर आप बहुत फ्रेंडली जोन में उनके साथ रहते हैं तो अब जैसे मैं अपनी मदर से हर बात शेयर करती हूँ हर बात शेयर करती हूँ बेशक वो किसी लड़के के बारे में हो बेशक वो किसी शूट के बारे में हो मैं अगर हॉस्टेलाइज भी हूँ तो मैंने रात में एक कॉल करनी है जिसमें मैंने अपनी मदर को सब कुछ बताना है ठीक है तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको समझते हैं आपसे बात करते हैं आपकी बात सुनते हैं तो आपको पेरेंट्स से अच्छा दोस्त मिल नहीं सकता बिल्कुल ऐसा है और इसकी जिम्मेदारी सारी पेरेंट्स पे आती है बच्चों पे नहीं आती आपकी दोस्ती होनी चाहिए और आज आज के टाइम पे जिन पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ दोस्ती नहीं है वो उनकी सही तरबियत नहीं कर सकते नहीं कर वो सकते। बच्चे मुआरे के मुआरे का सबको पता है अगर मुआरे के सर पे बच्चों को छोड़ेंगे तो जिस तरह का है फिर वैसे ही बच्चे जो है उनकी तरबियत होगी अगर आप इस मुआरे से सेटिसफाइड हैं तो छोड़ दें माशरे के सर पर वरना अपनी जिम्मेदारी कबूल करें